भागलपुर पुलिस ने जिले के टॉप 10 अपराधियों में शामिल मोहम्मद आफताब को गिरफ्तार कर बड़ी कामयाबी हासिल की है। हबीबपुर थाना क्षेत्र से गिरफ्तार किए गए आफताब पर हत्या, हत्या के प्रयास, रंगदारी और आर्म्स एक्ट के तहत 7 से अधिक मामले दर्ज है। वह पिछले साल मियां साहब मैदान में हुई गोलीबारी कांड का मुख्य आरोपी है, जिसमें एक बालक समेत 2 लोग घायल हुए थे। वहीं गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस ने कार्रवाई की। वरीय पुलिस अधीक्षक आनंद कुमार के निर्देश पर सिटी SP डॉक्टर के रामदास के नेतृत्व में एक विशेष टीम बनाई गई। DIU और स्थानीय थाना पुलिस ने सुनियोजित छापेमारी कर हबीबपुर इलाके से मोहम्मद आफताब को गिरफ्तार किया। मोहम्मद आफताब पर 50,000 रुपये का इनाम घोषित था। वह कई बार पुलिस को चकमा देकर फरार हो चुका था। पुलिस उसकी गिरफ्तारी के लिए लंबे समय से प्रयासरत थी। मुजाहिदपुर थाना अंतर्गत मियां साहब मैदान में हुई गोलीबारी में आफताब मुख्य आरोपी था। इस घटना में लड्डू कुरैसी और आर्यन नामक बालक घायल हो गए थे। लड्डू कुरैसी ने इस संबंध में मुजाहिदपुर थाने में मामला दर्ज कराया था, जिसमें आफताब समेत अन्य को नामजद किया गया था। प्रेस वार्ता में सिटी SP डॉक्टर के रामदास ने बताया कि वरीय अधिकारियों के निर्देश पर टॉप 10 अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए विशेष अभियान चलाया जा रहा है। DIU और थाना पुलिस की टीम ने आफताब को पकड़ने में अहम भूमिका निभाई। सिटी SP ने गिरफ्तारी टीम के सदस्यों को पुरस्कृत करने के लिए प्रस्ताव भेजने की घोषणा की है। वरीय पुलिस अधीक्षक बागलपुर, उनके निर्देश अनुसार बागलपुर जिला में टॉप 10 अपराधी कर्मियों को गिरफ्तारी हेतु लगातार छापेमारी जा रही है। इसी क्रम में 17 नवम्बर में एक टॉप 10 की सूची में शामिल 50,000 का इनामी अभियुक्त मोहम्मद आफताब, उनको हबीबपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत गिरफ्तार किया गया। इनको आपराधिक इतिहास पता चला है। मुजाहिदपुर थाना और ततापुर थाना में कुल मिला के 7 खांडों में इनको आपराधिक इतिहास है। वो हत्या और रंगदारी केस में उनको आपराधिक इतिहास पता चला है। 434-23 मुजाहिदपुर थाना रंगदारी केस में इनको गिरफ्तार किया गया है। कहाँ से गिरफ्तार हुआ सर? हबीबपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत उनको गिरफ्तार किया गया है। समाज में एकता, सहयोग और संस्कारों को सुदृढ़ करने का उद्देश्य लिए तेतरी दुर्गा मंदिर प्रांगण में आयोजित निशुल्क सामूहिक विवाह कार्यक्रम ने भव्यता और सामाजिक समरसता की अद्वितीय मिसाल पेश की है। इस आयोजन के तहत 25 जोड़ों का विवाह संपन्न हुआ, जो उनके जीवन के नए अध्याय की शुरुआत थी। कार्यक्रम का शुभारम्भ नौगछिया पुलिस अधीक्षक पूरन कुमार झा ने दीप प्रज्वलित कर किया। वर वधु ने पारंपरिक रीति रिवाजों के तहत एक दूसरे को वरमाला पहना। विवाह स्थल पर आगंतुकों और शुभचिंतकों की उपस्थिति आयोजन की सफलता का प्रतीक रही। सामूहिक विवाह के हर पहलू का आयोजन समिति ने कुशलता से प्रबंधन किया। बारातियों के स्वागत सत्कार से लेकर विवाह की विधियों तक हर प्रक्रिया में समर्पण छलकता रहा। आयोजकों ने वर वधु और उनके परिवारों की खुशी को प्राथमिकताएं दी, जिससे यह आयोजन स्मरणीय बन गया। समारोह के बाद सभी वधुओं को स्वप्रेम उपहार और गृहस्थी के सामान प्रदान किए गए। विदाई के समय वधुओं की मुस्कान और परिवार के सदस्यों की गर्व भरी आंखों में आयोजन की सफलता स्पष्ट झलक रही थी। नौगछिया अनुमंडल क्षेत्र और आसपास के जिले से सैकड़ों गणमान्य नागरिकों, नेताओं और समाज सेवियों ने इस आयोजन में भाग लिया। विवाह उत्सव को देखने के लिए उमड़ी भीड़ ने कार्यक्रम की भव्यता और सफलता को और बढ़ा दिया। हम लोग पिछले वर्ष से कर रहे हैं स्टार्ट जो है, और ये कार्यक्रम हम लोग शुरुआत किए थे मात्र 13 जोड़ी से। पिछले बार मात्र 13 जोड़ी का शादी हुआ था, इस बार लगभग 26 जोड़ी का शादी हो रहा है, दुगुना। और इस कार्यक्रम में हम लोग एकता, एकजुट के लिए कर रहे हैं। सब समाज के, सब दल के नेता हैं, सब समाज के हैं, छोटे वर्ग के गरीब लोग हैं, सभी लोगों का एकजुट और चंदा के वजह से। इसमें ना कोई नेता का पैसा, ना कोई समाज का, सब एक जो होता है, मान के चलिए कोई 10 रुपए, कोई 100 रुपए, कोई 10,000, इसी हिसाब से चंदा एकत्रित करके, और जो घटता बढ़ता है हमारे बीच में हम लोग के गार्जियन लोग हैं, वो लोग भी देख रेख करते हैं। और ये कार्यक्रम ऐसा होने वाला है, आने वाले समय में 100+ से ऊपर जाएगा शादियां। जो गरीब लोग हैं, जिनके पास पैसे नहीं पुरते हैं, जिनको शादी करवाने का हिम्मत नहीं है, जो विकलांग लोग हैं, जिनके पास कुछ नहीं सुविधा है, उन लोगों के लिए
अंदर के गंजी वस्त्र जो होता है वहां से लेकर के तोषक पलंग तक देने का ये काम हम लोग के गार्जियन ये लोग है, अनुज भाई लोग है, सब लोग मिल करके वो लोग देने का काम हम लोग कर रहे हैं। भागलपुर गोराडी थाना क्षेत्र के नवटोलिया गांव में तेज रफ्तार के कारण हुए दर्दनाक सड़क हादसे में एक विवाहिता की मौत हो गई। मृतका की पहचान आलोक राज की पत्नी निशा कुमारी के रूप में हुई है। हादसा देर रात हुआ जब आलोक राज अपनी पत्नी के साथ बाइक पर सवार थे। उनकी बाइक की टक्कर एक तेज रफ्तार हाइवा वाहन से हो गई। टक्कर इतनी भीषण थी कि निशा कुमारी की मौके पर ही मौत हो गई। पति ने बताया कि हादसे के वक्त उनके ससुराल वाले भी दूसरी बाइक पर पीछे से आ रहे थे। वहीं हादसे के बाद निशा के पति और अन्य परिजनों ने उसे बचाने की हर संभव कोशिश की, लेकिन गंभीर चोटों के कारण उनकी जान नहीं बचाई जा सकी। वहीं घटना की सूचना मिलते ही गोराडी थाना पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने सबको कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और आगे की कार्रवाई में जुट गयी। गाड़ी से कहां जा ससुराल के बाद क्या उसके बाद रास्ते में ऐसा घटना घटी घटना कब की लमसम में 10:30 के बीच गोराडी का गोराडी के पहले। बिहार सरकार के राजस्व मंत्री और प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने भागलपुर प्रवास के दौरान प्रेस को संबोधित किया। उन्होंने अपने विभाग की चुनौतियों और योजनाओं पर चर्चा करते हुए कहा कि राजस्व विभाग पहले काल कोठरी में कैद था, लेकिन अब उनकी जिम्मेदारी है कि इसे उस स्थिति से मुक्त करे। मंत्री जायसवाल ने कहा कि उनका उद्देश्य राजस्व विभाग को अधिक कुशल और पारदर्शी बनाना है। उन्होंने भरोसा दिलाया कि जनता से जुड़े मसलों को प्राथमिकता दी जाएगी और विभागीय सुधार के लिए ठोस कदम उठाए जाएंगे। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष के रूप में उन्होंने पार्टी के नेताओं और बीजेपी कोटे के मंत्रियों से अनुरोध किया कि वे अपने बयानों में संयम बरते और अपनी सीमा में रह कर ही बोले। उन्होंने कहा कि अनुशासनहीनता पार्टी के सिद्धांतों के खिलाफ है और इस पर सभी को ध्यान देना चाहिए। राजस्व मंत्री ने जनता को आश्वस्त किया कि उनका विभाग अब जनता के हित में काम करेगा और किसी भी तरह की शिकायत का जल्द समाधान होगा। भागलपुर के टाउन हॉल में विश्व शौचालय दिवस के अवसर पर स्वच्छता और शौचालय के महत्व पर जागरूकता फैलाने के लिए एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में चित्रकला, कविता और भाषण जैसी रचनात्मक गतिविधियों के माध्यम से सामाजिक संदेश देने का प्रयास किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता उप विकास आयुक्त प्रदीप कुमार सिंह ने की। उन्होंने अपने संबोधन में स्वच्छता के महत्व पर जोर देते हुए समाज को इसके प्रति अधिक प्रेरित करने की आवश्यकता बताई। साथ ही उन्होंने इस प्रकार की रचनात्मक गतिविधियों को स्वच्छता अभियान में अहम भूमिका निभाने वाला बताया। इस अवसर पर बच्चों के लिए विभिन्न प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया जिसमें चित्रकला, कविता और भाषण शामिल थे। कार्यक्रम के अंत में विजेता प्रतिभागियों को प्रथम, द्वितीय और तृतीय स्थान के लिए सम्मानित किया गया। पुरस्कार वितरण से बच्चों में उत्साह और जागरूकता दोनों को बढ़ावा मिला। भागलपुर में ट्रैफिक नियमों का पालन सुनिश्चित करने और नकली नंबर प्लेट के बढ़ते मामलों पर नियंत्रण के लिए ट्रैफिक डीएसपी ने सड़कों पर खुद मोर्चा संभाला। आज शहर के विभिन्न इलाकों में वाहनों की सघन जांच अभियान चलाया गया। जांच के दौरान जिन दोपहिया वाहन चालकों के पास हेलमेट नहीं था उन्हें बिना जुर्माना लगाए उचित कीमत पर हेलमेट प्रदान किए गए। इस कदम का उद्देश्य चालान से अधिक लोगों को सड़क सुरक्षा के प्रति जागरूक करना और नियमों का पालन करने को प्रेरित करना था। दरअसल हाल ही में नकली नंबर प्लेट के कई मामले सामने आने के बाद यह कदम उठाया गया। ट्रैफिक डीएसपी ने कहा कि नियमों का उल्लंघन करने वालों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी, साथ ही जागरूकता बढ़ाने के लिए ऐसे अभियान नियमित रूप से चलाए जाएंगे। भागलपुर में नगर विधायक अजीत शर्मा ने भारत की पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की 107वीं जयंती पर उनके योगदान को याद करते हुए श्रद्धांजलि अर्पित की। दरअसल यह कार्यक्रम उनके आवास स्थित कांग्रेस कैंप कार्यालय में आयोजित किया गया, जहां कांग्रेस कार्यकर्ता और स्थानीय नागरिकों ने इंदिरा गांधी के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित की। नगर विधायक अजीत शर्मा ने अपने संबोधन में इंदिरा गांधी के साहसिक नेतृत्व और देश के विकास में उनके अभूतपूर्व योगदान की
सराहना की। उन्होंने कहा कि हरित क्रांति, बैंकों का राष्ट्रीयकरण और उनके मजबूत फैसलों ने भारत को सशक्त बनाने में अहम भूमिका निभाई। वहीं कार्यक्रम में उपस्थित कार्यकर्ता और नागरिकों ने इंदिरा गांधी के विचारों से प्रेरणा लेने की बात कही। सभी ने उनके दृढ़ व्यक्तित्व और दूरदर्शिता की प्रशंसा की, जो आज भी देश के लिए मार्गदर्शक है। इस अवसर पर कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता, कार्यकर्ता और नगर के कई गणमान्य लोगों ने इंदिरा गांधी के प्रति अपनी श्रद्धा व्यक्त की। कार्यक्रम एकजुटता और उनके विचारों को आगे बढ़ाने का संदेश देता रहा। इंदिरा गांधी जी हमारी पहली देश की प्रधानमंत्री बनी, वो महिला थी, इसलिए मैं आज उनके जयंती के अवसर पर सभी महिला भाई बहनों को आग्रह करूंगा उनके बताए हुए सिद्धांतों पे चलना। तो भाइयों को भी है, सबको है, लेकिन खास करके महिलाओं के लिए जो सम्मान के लिए उन्होंने लड़ाई लड़ी, देश के विकास के लिए जो लड़ाई लड़ी, सभी जाति धर्म को एक साथ लेके चलने की जो लड़ाई लड़ी और उन्होंने पूरे देश को आगे बढ़ाने का काम किया, जो भी विकास आप देख रहे हैं, अगर सबसे बड़ा किसी को जाती है श्रेय, आदरणीय स्वर्गीय इंदिरा गांधी को जाता है। इसलिए मैं आग्रह करूंगा सभी कांग्रेस के वर्कर्स से, आज हम लोग जयंती का अवसर मना रहे हैं, सभी कांग्रेस के लोग हैं, सभी लोग उनके बताए हुए रास्ते, उनके काम किए हुए रास्ते पर आगे बढ़े। और जो भारतीय जनता पार्टी धर्म और जात के नाम पर भारत हिंदुस्तान में लोगों को बांटने का काम कर रही है, इंदिरा गांधी के रास्ते पर चल के सबको एक रखने का काम कीजिए और भारतवर्ष को आगे और एक। भागलपुर जिले के सबौर प्रखंड में आगामी पैक्स चुनाव के लिए बैजनाथपुर पंचायत क्षेत्र से मुकेश यादव ने अध्यक्ष पद के लिए नामांकन दाखिल किया है। यह नामांकन प्रखंड विकास पदाधिकारी के समक्ष सबौर प्रखंड कार्यालय में संपन्न हुआ। वहीं नामांकन दाखिल करने के बाद मुकेश यादव ने कहा, हमें जनता का अपार समर्थन प्राप्त है और हमारी जीत सुनिश्चित है। उन्होंने अपनी उम्मीदवारी को क्षेत्र की जनता के विश्वास और समर्थन का परिणाम बताया।